discuss? अभी वो लगेगा टाइम, और वो हवाई जहाज भी जो लोग विदेश में जाते हैं कई बार वो टाइम बदल जाता है, तो दो तीन दिन लगेगा, ठीक है? गुणोदर बैठे रहिए बैठे रहिए। कल जन्म दिन था क्या? जन्म दिन नहीं काम किया, कल बच गए थे। अच्छा तो वहाँ चला रखा था, बैठे बैठे बना रखा था ना? मेरे बेटे ने बताया कल कि पापा इनका तो आज जन्मदिन था रात में। हाँ वो पता नहीं कहाँ से देख रहा था कि टनकपुर का है, इनके घर गया था मैं। ठीक है पापा मैं मम्मी से बात करती हूँ, क्या कह रही मामा? राम सुंदर ठीक है तो फिट नहीं गाड़ी काम आया ना। कैसे हो? ठीक है ठीक है। रात को सो गए थे? वो तो नींद तुम लोगों की गड़बड़ा गई होगी, वहाँ आदत अलग होगी यहाँ अलग होगी। अंदर में थी अंदर में कितने घंटे सो जाते थे? चार बजे तक सोते थे। सवेरे चार बजे? सवेरे चार बजे। चार नहीं पाते किसी को? नहीं आती किसी किसी को आती थी। खाते थे कब खाने के लिए बोलते थे? नहीं नहीं खाने के लिए कोई दिक्कत, टकलीफ साहब जाना पड़ता होगा ना? हाँ जाते थे बढ़िया सब 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 कोई दिक्कत। कैसे
लगेगा सर, ऐसा लग रहा था कि सर ये काम थोड़ा कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। हेलो, बात कर रहा हूँ। हेलो, एक मिनट भाई, बता दूँगा। बहुत धन्यवाद, सब खुश हो ना बाप, सब खुश है, तुम भी खुश रहो। हाँ, तुम भी खुश रहो, ठीक है। मैंने उस दिन कहा था ना आ जाएंगे सब, तुम्हारा सबका आशीर्वाद है, सबकी दुआई लगी है। चलिए आप आ जाएगा, घर आ जाएगा अभी ना, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अभी एक दो दिन में आ जाएगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, हम लोगों के साथ है यहाँ, ठीक है। हाँ, सब साथ में यहाँ पर है, हाँ, इसको घर लगा देंगे एक दो दिन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप लोग बाहर से, हम लोग अंदर तपस्या करते हैं, आप तपस्या वही बोल रहे थे, आप लोग बाहर भी तपस्या करते थे, हम लोग अंदर चरण के अंदर तपस्या करते हैं। सब कुछ है,
स्टेट के यहाँ आदमी लोग हैं, हर मंत्री लोग अपने अपने जो अधिकारी थे यहाँ भेजे हैं अपने आदमी का हाल चाल लेने के लिए, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी एक बार भी हम लोग के न घर में न यहाँ किसी से हाल चाल अभी तक नहीं है। हम लोग क्या गलती किया है, क्या हम लोग से गुनाह हो गया है कि हम लोग के बिहार के मुख्यमंत्री हम लोग को याद तक नहीं कर रहे हैं। आश्वासन भी देना एक बड़ी चीज है, चलिए खैर ऊपर वाला जो कर रहे हैं क्या है वो समझेंगे। हाँ हाँ बैठे रहो बैठे रहो, अरे बैठो बैठो बैठो, ठीक है। कितना साल का हो? 20 साल का। अरे यार कितने दिन से आए काम पर? काम पर कर रहे हैं। सबसे बात हो गया, सब ठीक है ना, खुश है लोग? हमने कुछ परिवर्तन दवा वही मिलते हैं। ठीक है सर, उसके साथ देखिए चल रहा हूँ सर, चार आठ महीने बिल्कुल नीचे नीचे दिल्ली जा रही दिल्ली एक छोटा अभी नीचे ले एक मिनट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। अरे आप यही कर देना, रोटी बनाई यहीं से बना दूं फिर पास में जाऊं। अरे बहुत बहुत बढ़िया सर जी सर जी सर बहुत खुशी है सर। ठीक है भाई, अभी वो है सब लोग।
खाना होता है। हाँ सर, बिल्कुल 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 सर, आपके राज्य में सर कोई दुख तक नहीं साहब जी, बिल्कुल दिया था, अभी तो दिया था, जल्दी करो सर। अभी आप सभी श्रमिकों से मुलाकात किए, उनके परिजनों से मुलाकात किए, सभी परिजन खुशी जाहिर कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार की कोशिशों का। अभी सभी लोगों को चिकित्सा के मॉनिटर पर रखा गया था कि उनका उनकी एक 24 घंटे का जो डॉक्टरों के द्वारा परामर्श है उसी में देखा है, मैंने सबसे मिलाया, सबके हालचाल लिए, सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी प्रसन्न हैं, उनके पारिवारिक जन भी सभी प्रसन्न हैं और सभी सभी का धन्यवाद कर रहे हैं और सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने विशेष चिंता करते हुए एक माता पिता की तरह, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं उस प्रकार की उन्होंने चिंता की है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, जिनके नेतृत्व में हर एक देशवासी सुरक्षित है। पूरे देश ने देखा कि जो हमारे मजदूर भाई टनल के अंदर थे, तो जो सबसे अच्छे प्रयास दुनिया के हो सकते हैं वो इस रेस्क्यू अभियान में हुए हैं। प्लस सर, ऋषिकेश एम्स भी बेहतर इलाज के लिए सरकार ले जा रही है और आपने पुरस्कार राशि भी दी है। अभी देखिए ऐसा है कि वो तो पुरस्कार राशि नहीं है, प्रोत्साहन है कि सब लोगों का, चूंकि इतने बहादुरी से उन्होंने काम किया है और इतने दिनों तक, 16 दिनों तक 17 दिनों तक लगातार टनल के अंदर रहे हैं और पूरी हिम्मत उन्होंने बांधी रखी और उन्होंने हमारे लोगों की भी जो बाहर थी उनकी भी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है। और अब चूंकि जो चिकित्सक हैं उनकी परामर्श के अनुसार उनको एक बार ऋषिकेश एम्स में भी एक बार उनकी जांच हो जाएगी और जांच के उपरांत जो भी डॉक्टरों का निर्णय होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। कहाँ पर खड़ा होना है सर? लहर पैर छोड़ा हूँ। बताइए कहाँ गए हो? परिजन कौन है?